जो एम हेमल सर मतलब रोज़ नहीं पहनते थे, उन्होंने कुछ ऐसा ड्रेस पहना है जो नॉर्मली वो नॉर्मल डेज में नहीं पहनते थे। वो सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इंस्पेक्शन वाला अगर दिन कुछ रहे तो उसी दिन को वो वाला कपड़ा पहनते थे, लेकिन वो वाला कपड़ा आज उन्होंने पहन लिया। वो कपड़ा पूरा आयरन था, अच्छे से एम्ब्रॉयडर्ड था, यानी कुछ अच्छे से फैब्रिक लगा हुआ था उसमें, और वो वाला कपड़ा उन्होंने उस दिन पहना था। तो ये देखकर तो बहुत सरप्राइज हो गया फ्रांच। आगे क्या देखते, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स, ओल्ड होसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. ये तो ड्रेस उन्होंने पहना वो देखकर तो सरप्राइज हुआ ही है फ्रांच, लेकिन कुछ और उन्होंने उसने देख लिया जो देखकर वो उससे ज़्यादा सरप्राइज हो गया। उसने देखा कि उसके पीछे वाला जो बेंचेस होते हैं, जो लास्ट बेंचेस होते हैं, यानी उसका जो पीछे वाला जो बेंचेस, जितने भी सारा बेंचेस होता है, डेस्क होते हैं, वो एक्चुअली नॉर्मली खाली पड़ा रहता था, उसमें कोई बैठता नहीं था। लेकिन आज उस वाला दिन उसने क्या देखा कि विलेजर्स जो थे, उसका जो विलेज का जो पीपल थे, सब उधार पे बैठे थे। उसमें में कौन कौन था स्पेशली, उसमें था एक बूढ़ा इंसान जिनका नाम था होसर, जिनके माथे पे एक हेड था। हम उन लोगों का जो फॉर्मर जो मेयर था, मेयर यानी जो हम कहते हैं हमारा जो म्यूनिसिपलिटी का जो हेड होता है मेयर, तो मेयर बैठे थे। और कौन कौन था, कुछ पोस्टमास्टर थे एक, और एक जो होसर जो था उसने, और एक स्पेशल चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि होसर के पास एक तो था, उसके पास एक बड़ा हेड था, और उसके पास एक बुक भी था जो वो बुक ओपन करके रखा था, और उसका बड़ा वाला चश्मा जो था वो भी बुक के ऊपर रखा हुआ था। तो ये देखकर काफ़ी आश्चर्य लगा फ्रांच को। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन व्हिच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन I shall teach you, I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो फाइनली फ्रेंच को पता चल गया कि क्यों इतना नाटक, क्यों इतना ड्रामा, क्यों इतना इमोशनल जो मतलब एक सीन बना था उधर पे, क्यों चल रहा था वो सब, क्यों आज इतना स्पेशल दिन था, क्यों आज इतना गुमसुम सा था सब, क्यों इतना मतलब साउंड नहीं आ रहा था। उसको सब आंसर अभी मिल गया। क्या मिला उसको आंसर, सर ने बोल दिया कि सर एक फ्रेंच टीचर थे, वो भी हमें पता चला अभी। तो सर ने बोल दिया कि सर लोगों के जो देश है वो जो युद्ध हार जो गया, उसका जो वॉर चल रहा था, मैंने जो पहले बोला था कि वॉर चल रहा था, तो वो वाला वॉर तो सर के देश के लोगों ने हर गया वो लोग। तो अभी क्या हो रहा है कि दूसरे ओपोनेंट जो टीम है, ओपोनेंट जो कंट्री है, उसके तरफ से एक नोटिस भेजा गया सर लोगों को कि आपके उधर पे आज से फ्रेंच पढ़ाना बंद, फ्रेंच लैंग्वेज आज से नहीं होगा, कल से न्यू टीचर आएंगे वो जर्मन पढ़ाएंगे, और आज के लिए फ्रेंच आप लोगों के देश के लिए लास्ट होगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का भी नाम हो रहा है द लास्ट लेसन, क्योंकि एम हेमल सर का ये फ्रेंच में दिया हुआ उनका लास्ट लेसन था। उन्होंने क्लियरली बोला कि आज बच्चे लोग प्लीज़ अटेंटिव रहो क्लास में, क्योंकि आज आप लोगों का फ्रेंच का लास्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर आ चुका है कि आज से हम लोग फ्रेंच ना पढ़ाए, कल से आप लोगों के लिए जर्मन का न्यू टीचर आने वाला है। आगे क्या देखते हैं, व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेर टू मी, ओह द रेचस, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ये सुनकर
फ्रांस को सच में बहुत बहुत बुरा लगा। अभी जाकर उसको समझ में आया कि उधर पे टाउन हॉल के सामने, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने क्यों इतना लोग खड़े थे। अभी उसको पता चला वो वाला बात, क्यों इतना भीड़ था उधर पे, क्या बैड न्यूज़ था। वो बैड न्यूज़ अभी उसको क्लेरिफाई हो गया। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सर। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये सब चीज़ें जो सुना उसने, फ्रांज ने, सुनकर उसको लगा कि क्यों क्यों आज मेरा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, क्यों आज मेरा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, मैं इसको और ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा इसको, मुझे आज तक इससे पहले फील हुआ था कि फ्रेंच लैंग्वेज काफ़ी एक बोरिंग लैंग्वेज है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता था मुझे, मैं कुछ पढ़ता नहीं था, उसका कुछ सीखा नहीं मैंने, लेकिन आज जाकर मुझे पहला बार वैसा महसूस हो रहा है कि ये फ्रेंच लैंग्वेज मेरे बहुत करीब है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज मेरे लिए और मुझे ये सीखना चाहिए। और सबसे बुरा जो मुझे लग रहा है वो ये कि आज के बाद से मैं इस इंसान को यानी मिस्टर एम हैमल को, सर को, आज से नहीं देखूंगा। वो सबसे बुरा लग रहा है मुझे, ये फ्रांस कह रहा है। फ्रांस साथ में ये भी कह रहा है कि मैं सच में भूलना चाहता हूँ कि ये सर कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बस मैं आज से उनको बहुत मिस करूँगा, मैं ये सोच नहीं सकता कि आज के बाद से मैं कभी उनको मिलूँगा नहीं, कभी वो हमें दिखेंगे नहीं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो अभी फ्रांस क्या बोल रहा है कि अभी मुझे पता चल रहा है कि आज सर ने क्यों संडे वाला क्लॉथ लगाया, क्यों सर ने आज एक स्पेशल वाला क्लॉथ लगाया और क्यों मेरे पीछे ये सारे विलेजर्स बैठे हैं आज, क्योंकि उनको भी बहुत दुख लग रहा है आज। उनको दुख क्यों लग रहा है, क्योंकि वो अभी सोच रहे हैं कि क्यों हमने इस लैंग्वेज को पढ़ा नहीं पहले, क्यों हमने हमारे ज़माने में क्यों हमने पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि आज के बाद से तो हम इस लैंग्वेज को मिस करने वाले हैं, आज के बाद से हमें इस लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ाएगा। साथ में ये एक वो जो बैठे हैं क्लास में वो ये भी बता रहे कि उन लोगों की तरफ से एक थैंक सर को जनाया जा रहा है, सर को बताया जा रहा है कि सर थैंक यू फॉर गिविंग अस सच लेसन्स फॉर 40 ईयर्स, यानी सर पिछले 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे। ये भी हमें इस लाइन से, इस स्टैंजा से पता चला। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, व्हाट वुड आई नॉट हैव बीन गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू very loud and clear and without any mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on to my decks, my heart beating and not daring to look up. इसके बाद क्या हुआ, अचानक से सर, तो अभी फ्रांस क्या बोल रहा है कि वो जब ये सब सोच रहा था कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है और उसको समझ भी आ रहा था कि क्यों आज इतना स्पेशल डे है, तो अचानक से उसने सुना कि एम हैमल सर ने उसका नाम बुलाया। उन्होंने उस नाम को बुलाया क्योंकि आज उन्होंने पहले ही बोल के रखा था कि आज वो पार्टिसिपल जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो अभी फ्रांस का बारी था कि वो खड़ा होकर सर जो जो बताए वो क्वेश्चन का आंसर दे, लेकिन हुआ क्या कि वो खड़ा तो हुआ लेकिन पहले ही लाइन में उसने गड़बड़ कर दिया और सब मिक्सअप हो गया उसका।
वो भूल चुका था कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, क्योंकि उसने सीखा नहीं उससे पहले। वो भी बता रहा है, वो खुद ही बता रहा है, आज खुद ही कन्फेस कर रहा है खुद को कि क्यों मैंने नहीं सीखा इंग्लिश को इससे पहले, क्यों मैंने नहीं सीखा फ्रेंच को इससे पहले। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, आई ओंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनाफ, सी हाउ इट इज़, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द ओस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। जब फ्रांज ने गलती कर दिया था कि उसको पहले ही लाइन में सब मिक्सअप हो गया, वो कुछ अच्छे से समझा नहीं पाया, सर को बोल नहीं पाया, तभी क्या हुआ, तभी एम हेमल सर ने बोला कि फ्रांज घबराओ मत, मैं तुम्हें इसके लिए स्कोल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि यही हमारा गलती है हर समय का। हम क्या करते हैं एलसेस का जो लोग हैं, हम क्या करते हैं कि, मैं फिर से ये वाला स्टेंजा समझाऊंगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो तभी उसने क्या, उसने जब फ्रेंड्स ने शुरू किया और उसको पहले लाइन में गड़बड़ हो गया सब चीज़ें, तो एम हेमल सर ने क्या बोला उसको कि घबरा मत फ्रेंड्स, जो हुआ मैं उसके लिए तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि ये हमारा पूरा देश का ही हमारा ये गलती है, एलसेस के जितने भी लोग हैं सबका ये गलती है कि हम कल के लिए सब चीज़ें रख देते हैं। हम ये बताते हैं कि आज नहीं सीखेंगे, आज सीखने से क्या हो जाएगा, कल सीख लेंगे, और कल कहते कहते वो कल कभी आता नहीं और हम सीखते नहीं। जो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है फ्रेंड्स, ये सबके साथ होता है, हम सब इसके लिए दोषी है। और आज जो दूसरे लोग जो हमारे देश में, जिन्होंने आज देश को छीन लिया हमसे, वो भी हम पे हंस कर ये बोलेंगे कि आप लोग दिखाते तो हो कि आप लोग फ्रेंच हो, दिखाते तो हो कि आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत प्यार करते हो, लेकिन रियलिटी में तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं आता है, ये कहकर वो लोग हंसेंगे भी। वो एम हेमल सर फ्रेंच को समझा रहे, और साथ में एम हेमल सर ने फ्रेंच को ये भी बोला कि घबराओ मत, क्योंकि हम लोगों का सबका ये दोष है, तो हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और एक बार फिर से फ्रेंच लैंग्वेज को हम हमारे पास हासिल करेंगे। तो ये वाला स्टेंजा तक प्लीज़ आज रहने दीजिए, मतलब हम आज यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास यानी कल वाला जो क्लास आएगा शाम को, उसमें कंप्लीट चैप्टर हम एंड कर देंगे। मैं थोड़ा धीरे जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि एक क्लास में ही कर दूंगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके बोला कि थोड़ा स्लो जाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, ताकि उन लोगों को समझ में आए। और एक बार फिर से मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आफ्टर द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, मैं फिर से विदाउट एनी बुक को रख कर साइड में, मैं सिर्फ ऑडियो वर्शन में पूरा चैप्टर को हिंदी में एक बार कंप्लीट ऑडियो वर्शन दूंगा। अभी जो मैं दे रहा हूँ वो तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, एक कंप्लीट ऑडियो दूंगा, ताकि आपको, आप हेडफोन लगाकर उसको अच्छे से सुन सकते हो, और विदाउट लुकिंग इनटू बुक आपके माइंड में बार बार वो स्टोरी मतलब रिपीट कर सकते हो, क्योंकि स्टोरी जितना बार रिपीट होगा, स्टोरी जितना आपके पास क्लियर होगा, उतना आपको लिखने में आसानी होगा एग्ज़ाम में। थैंक यू, प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड वॉच इट इन, मतलब जितना हो सके इसको 2-3 बार सुन लो, लेकिन मैं आज जो बताया उसको प्लीज़ अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, नेक्स्ट से कंटिन्यू करेंगे इससे आगे का। थैंक यू।